نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا سامياتي عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور नमाज के इस सेशन में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ जैसा कि आप सबको मालूम है कि इन दिनों जो हमारा सेशन चल रहा है वो नमाज को तज़वीद के साथ सीखने का सेशन चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम अब तक काफी कुछ सीख चुके हैं और नमाज जो है वो हमारी तकरीबन मुकम्मल होने को आई है और आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो दुआए मासूरा हम सीखेंगे इनशाला यानी दुरुद शरीफ के बाद दुरुद इब्राहिमी के बाद जब हम जो दुआ पढ़ते हैं वो जो है दुआ दुआ मासूरा कहलाती है और उसको हम सीखेंगे इनशाला वैसे तो जो हम नमाज में दुआ पढ़ते हैं लास्ट में सलाम फेरने से पहले उसमें कोई कैद नहीं है कि आपको यही दुआएं पढ़नी हैं उसमें आपको पूरी इजाज़त है कि आप कोई भी दुआ या कितनी भी दुआएं जो हैं वो मांग सकते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है जिसका मफहूम आपके सामने पेश कर रही हूँ कि वो जो है दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है यानी जब हम दुरु शरीफ के बाद जो नमाज में दुआ मांगते हैं तो वो अल्लाह ताला जो दुआएं हैं वो ज़रूर इंशाल्लाह कबूल करता है तो ये जो वक्त होता है दुआ का बहुत अहम वक्त होता है इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए और हमें मालूम होना चाहिए कि हम कौन सी दुआ मांग रहे हैं और उसका तर्जुमा क्या है ताकि हम खुलूस के साथ अल्लाह ताला से मांग सकें तो यहाँ मैंने जो दुआओं का इंतख्या किया है वो दो दुआएं आज हम इन सीखेंगे और इन दो दुआओं का इंतखा मैंने इस वजह से किया है क्योंकि अक्सरियत जो है वो इन्हीं दुआओं पर है यानी एक तो हमने दुआ ली है रबना आतीना फिल्दुनिया हसनतम वफी फिल हसनतम वकीना अदाबनार कुरान की ये दुआ है और मुस्तजाब दुआओं में से एक दुआ है यानी अल्लाह ताला ने कबूल की हुई ये दुआएं हैं और बहुत कसरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को मांगा करते थे बहुत ही प्यारी दुआ है और दूसरी जो दुआ है वो अहदी से साबित है जो नमाज में पढ़ने के लिए आप ने तालीम ने फरमाई है

तजवीज के रूल्स के साथ और उसकी तिला, उसकी उसका तलफुज सीखेंगे और उसकी अदायगी सीखेंगे और एक दफा फिर उसका हम तर्जुमा सीखेंगे ताकि हम जब नमाज में ये दुआएं मांगे तो हम खुशी और खुजू के साथ और बिल्कुल तवज्जो के साथ हम इन दुआओं को मांग सकें तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे पास जो दुआ है वो है रबना आतना अच्छा सबसे पहले जो दुआ हम देख लेते हैं जो अहदीत से साबित है और आप सल्लम ने नमाज में पढ़ने के लिए तालीम फरमाई है वो ये दुआ है अल्लाजू तो इसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से रूल्स जो हैं इसमें अप्लाई हो रहे हैं तजवीद के तो चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लर सबसे पहले आप देख रही हैं कि लफ्ज है अल्ला यही लफ्ज जो है पहले भी आ चुका है जैसे सुबह नकम है ना तो इस तरीके से जब एक लफ्ज का तलफुज और उसके रूल्स आप सीख लें तो उसको फिर याद रखिए ताकि जितनी दफा भी कुरान में या अहदीस में कहीं आप पढ़ें दुआओं में आप पढ़ें तो फिर क्या हो कि आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े और आप उस लफ्ज से इतनी वाकिफ हो जाए कि आप फौरन देखते ही पहचान लें कि इसको हमें किस तरह से पढ़ना है और कौन कौन से रूल्स इसमें अप्लाई हो रहे हैं तो सबसे पहले जो है अल्लाह लफ्ज अल्लाह लिखा हुआ है उसमें जुड़ा हुआ है हुम्मा इस तरह से ये बन गया अल्लाह तो अल्लाह का कायदा आपको मालूम है कि अल्लाह जो है वो कब मोटा पढ़ा जाता है और कब बारीक पढ़ा जाता है तो यहाँ पर जो है मोटा पढ़ेंगे क्योंकि हमजा पे जो हम जबर लगाएंगे अः यहाँ पर लगा हुआ नहीं है हमजा पर जबर है वरना तो उस वजह से हम जो है आ, लाम को अल्लाह के लाम को मो, अ, मोटा पढ़ेंगे मोटा करके पढ़ेंगे अल्लाह और यहाँ पर लाम पर जो है खड़ा जाएगा अल्लाह अल्लाह Allah. तो लफ्ज अल्लाह जो है यहाँ पर मोटा पड़ा जाएगा उसके बाद है हुम्मा हुम्मा में आप देख रही हैं हा को हम मीम से मिलाएंगे तशदीद की वजह से और मीम पर जज मीम पर तशदीद है इसलिए फिर क्या होगा यहाँ पर गुन्ना है ना तो किस तरह से पढ़ेंगे हुम्मा हुम्मा अल्ला है लफ्ज इन्नी तो हमजा पर जेर है और जेर के साथ नून नून पर है तशदीद तो तशदीद जब नून पर आ जाती है तो वहां पर गुन्ना होता है और नून के बाद है नून को हम या से मिलाएंगे नून या जेर नी इन्नी इन्नी नून पर गुन्ना होगा इन्नी Allahumma inni. Allahumma inni. आगे है जबर जोर जुआ को मोटा पढ़ेंगे, लाम को मीम से मिलाएंगे क्योंकि मीम पर जज्म है जलम तापिश तो जोलम तू जोलम तू मीम पर ठहरेंगे नहीं बल्कि जल्दी से पढ़ेंगे, जोलम तू अल्लाम तुलम तूल तु ठीक है ना अल्लाहुम्मा इन्नी जोलम तू जबर जो लाम जबर लम तापिश तो जलम आगे है नफ नून को फा से मिलाएंगे नून फा जबर नफ सीन को याद से मिलाएंगे सीन या जेर सी नफ सी गु नफ सी नफ सीन के बाद देखिए या है या पर जज्म है तो सीन को जब हम या से मिलाएंगे तो ये क्या हो होगा या मद्दा इसलिए इसको थोड़ा सा खींचेंगे एक अलीफ के बराबर खींच लेंगे इसको गलम तु नफ आगे है गुल मन गुआ को लाम से मिलाएंगे गाम पेश नीम दो जबर मन गुल मन आगे है अब देखिए जुलन को देखिए आप मीम पर क्या है तनवीन है ना तनवीन यानी दो जबर उसके बाद आप देखिए काफ है काफ जो है वो हरूफ अख्वा में से है जो हमने पंद्रह हरूफ आपको याद कराए थे तो जब तनवीन के बाद हरूफ अखबा में से कोई भी एक हरफा आ जाता है तब वहां पर अख्वा होता है यानी हम तनवीन की आवाज को छुपा लेते हैं तो हम मीम पर जो है आ, मीम की आवाज को छुपा लेंगे बिल्कुल क्लियर नहीं पढ़ेंगे किस तरह से पढ़ेंगे जुल्मं कसीरौन। जुल्मं कसीरौन। इस तरह से एक अलिफ के बराबर ठहरेंगे ये इख़फ़ा कहलाता है इख़फ़ा का रूल अगर आपने नहीं सीखा है तो यूट्यूब पर वीडियो अपलोडेड है आप वहां से सीख लीजिए आगे देखिए काफ जबर का सा को या से मिलाएंगे सा या आप कसी यानी यहाँ पर वक्फ करना चाहते हैं ठहरना चाहते हैं तो कसी रो इस तरह से भी पढ़ सकते हैं जो वक्फ के रूल हमने आपको सिखाए थे उसमें बताया था कि जब दो हो

या वाहन जबर या वो फाजी वो फी, फी र को जाल से मिलाएंगे क्योंकि जाल पर तशरीर है रॉ जाल पेश रोज य वो फे रोज वही मोटा और रो भी मोटा या वो फे रोज रोजू नून वाउपनू दू। जूनू जूनू नून को वाओ से मिलाना है नून वाउपनू दू। जूनू बबर बा बनू ब जूनू ब ولا يغفر الذنوب ولا يغفر الذنوب الا حمزه لام الا لام الف مد زب الا الا انت حمزه نون أَنْتَ أَنْتَ انت انت الا انت ولا يغفر الذنوب إلا أنت أجه فغفر لي فاكو غين سملاي جي فا غين زبر فاكو فاكو راسي فا رازر فر فغفر. فغفر فغفر لام يازر لي فغفر لي فغفر لي مغفرة ميم كوغيرس ميلانج ميم وغير زبر مو فازل في مو في را زبر را را كمطأ را زبر را ماعو في را تا يمس ميم تا ميم زبر تم ماعو في رو تم مو في رو تم Uh, इस ये जो uh, दुआ है ना इसमें ये जो आपके सामने पिक्चर नजर आ रही है तो ये इसमें जो है uh, तशदीद और कहीं कहीं जो है uh, मद जो है वो नहीं लगा हुआ है तो इसकी फिक्र मत करिए आप लोग हम इनशा दूसरी जो पिक्चर है इस दुआ की वो आपको सेंड करेंगे और उसमें जो है मद और जज्म तशदीद वो सब बिल्कुल क्लियर होगा तो उस वो जो मैं पिक्चर शेयर करूंगी आपके साथ लास्ट में तो उसमें जो है आपको आसानी रहेगी इसमें इस, इस पिक्चर में जो है कुछ कुछ चीजें मिसिंग है फिलहाल जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग उस पर तवज्जो दीजिए लास्ट में पिक्चर शेयर करी जाएगी ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा उससे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा ठीक तो हम पढ़ रहे थे मोफिरतम जबर मोर को हम मीम से मिलाएंगे क्योंकि मीम पर तशदीद आती है मोफिर तम तम और मीम पर तशदीद आ जाएगी तो हम क्या करेंगे वहां पर गुना करेंगे मैं 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 आगे है मिन मीम को नून से मिलाएंगे मिन मिन का आगे है मिन अब यहाँ पर क्या करना है हमें आन को नून से मिलाना है आन को नून से मिलाएंगे क्योंकि नून, नून पर जो है वो जज्म है मिन आएन, आएन, अब देखिए मैं नून की आवाज को जो है छुपा क्यों रही हूँ क्योंकि नून के आगे देखिए क्या है हैफ इख़फ़ा हरूफ इख़फ़ा में से दाल है ना ठीक है तो यहाँ पर हम इकफा कर लेंगे यानी नून की नून साकिन की आवाज को हम थोड़ा सा छुपा लेंगे عندي عندي دال زردي كاب زبركا عندك كا من عندك ولا يغفر الذنوب الا انت فغفر لي مغفره من عندك أجهز ورحمني وارحمني वाह को रॉ से मिलाएंगे वो जबर वर वाओ को रॉ से मिलाएंगे वो जबर क्योंकि रॉ पर जो है वो साकिन है तो वाओ को जब हम रॉ से मिलाएंगे तो मोटा करके मिलाएंगे क्योंकि रॉ साकिन है लेकिन उससे पहले वाओ पर जबर है ना वर हा मीम से मिलाएंगे मीम जबर हम वर हम नून या जेर नी अरह नी वम नी मीम जबर हम नून या जेर नी वर नी वर्हम नी वर्हम नी इन्नका نون को नून से मिलाएंगे हमजा नून नून जबर ना इन्ना काफ जबर का का इन्न का आगे है अंतल हमजा नून जबर अंता को लाम से मिलाएंगे तालाम जबर तल अंतल अब यहाँ पर भी देखिए इकफा हो रहा है क्योंकि नून साकिन के बाद ता है, हैफा में से ता गई है इसलिए नून की आवाज को छुपा लेंगे अंतल, अंतल तल रही इन जबर गा नहीं पढ़ना है गा, इस बात का ख्याल रखेंगी गा फा को वाव से मिलाएंगे क्योंकि वाव मद्दा है फा वाव पेशफू ग रोह को रॉ से मिलाएंगे रो रो पेशर गो हा याम अब देखिए रहीम जो है वो बार बार आएगा गफूर जो है वो बार बार आएगा एक बार, आएगा। एक बार आप इसका तलफु सही से सीख लेंगी तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी गफूर रही रहीम तो ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है दुआ अब इसमें जो है मद भी वाजहे है और आ, सारे जो हरकत हैं वो सब यहाँ पर लगे हुए हैं अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी तो इसको आपने खूब प्रैक्टिस करनी है और एक दफा हम इसका तर्जुमा भी देख लेते हैं है उसी दुआ का हम एक बार तर्जुमा देख लेते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी

اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم अब एक दफा हम इसका तर्जुमा देख अपनी नफ्स पर या अपनी जान पर अल्ला इन्नी जुलम तो नफसी एशक मैंने अपनी जान पर जुल्म किया जुलन कसी बहुत ज्यादा जुल्म, जुल्मान कसी बहुत ज्यादा जुल्म, जुल्म। वाला और नहीं यह जुनूबा गुनाहों को बख्शने वाला वला या फिर जुनूबा और नहीं गुनाहों को बख्शने वाला इल्ला मगर ये के अंता तू ही फिर ली बस मुझे माफ कर दे बस मेरी मगफिरत फरमा मगफिरतम मिन आइंदिक अपनी तरफ से खास बख्शिश वरहमनी और मुझ पर रहम फरमा इन्नका बेशक तू अंता तू है अल अलगफूर बहुत बख्शने वाला अर करने वाला गफूर यानी रहम करने वाला सॉरी गफूर जो है वो बख्शने वाला ठीक है ना बख्शने वाला तो इसका पूरा का तर्जुमा ये होगा ए अल्लाह बिलाशुबा या बेशक मैंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया है और तेरे सिवा कोई गुनाहों को माफ नहीं कर सकता बस तू अपनी खास बख्शिश से मुझे माफ फरमा दे और मुझ पर रहम फरमा यकीनन तू बहुत बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है तो ये दुआ हम पढ़ सकते हैं और पढ़ना चाहिए बहुत अच्छी दुआ है अल्लाह के रसूल ने तालीम फरमाई है और दूसरी दुआ जो है वो हमने मुंतखब की है रब्बना आतिना ये वाली दुआ ये कुरान की बहुत प्यारी दुआ है अल्लाह के रसूल अक्सर इसको पढ़ा करते थे उसको भी हम इंशाल्लाह देख लेते हैं तो एक दफा मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ मुख्तसर और जाम दुआ है यानी बहुत छोटी है लेकिन अपने मानों में और अपनी तफसीर में जो है बहुत वसत रखती है और बहुत पसंदीदा अल्लाह तला को दुआ है ये वाली तो ربنا सबसे पहले आपके पास है रबना रॉ को बा से मिलाना है रॉ मोटा पड़ा जाएगा बा पर शद है जमा के पढ़ेंगे रॉ जबर रब बा जबर बा रब नून अलिफ मजबर नाम रबना रब रबना हमजा अलिफ जबर आ या हमजा जबर आ ताजरती आती हमजा अलिफ जबर आ खींचना है थोड़ा सा ताजिरती आती नून अलिफ जबर ना आती ना हमजा के बाद अलिफ है और अलिफ से पहले जब जबर जब जब आ जाता है तो वो अलिफ मद्दा हो जाता है इसी तरीके से नून के बाद जबर है नून पर जबर है और उसके बाद अलिफ है तो यहाँ पर भी अलिफ मद्दा है दोनों को खींचेंगे रोबना आतीना आतीना आगे है फिद को दाल से मिलाएंगे फा दाल जेर फिद पर शद है इसलिए दा को दो, दो मरतबा पढ़ेंगे अब दा, दाल को हम नून से मिलाएंगे दाल नून पेश दुन या अलिफ जबर या दुन या फिद, दुन्या। फिद दुन्या। आगे है हसनतन हा जबर हा, सीन जबर सा हस नून जबर ना ता तादो जबर तन हसनतन। अगर आप ठहरना चाहें तो हसन इस तरह से ठहर सकते हैं ठीक है हसन क्या क्या आप ठहर भी सकते हैं यहाँ पे आतिना फिद दुनिया हसन वफिल या वफिल आखिरती जबर अती फा वाह फाकाम से मिलाएंगे फा लाम जिर फिल वफिल हमजा अलिफ जबर आ फिल आ खा जिर खी आखिर रोह जबर रो आखिर ताजर ताजर ताजरती आखिर रोती रो मोटा पढ़ना है खाको मोटा पढ़ना है व फिल आखिर हसन तन हबर हसीन जबर सा हसन जबरना हसन ता दो जबर तन हसन तन ता को आप पाओ से मिलाना चाहें तो मिला भी सकती हैं और अगर ठहरना चाहें तो ठहर भी सकती हैं हसन कह के तो यहाँ पर मैं हसन क्यों कह रही हूं जबकि इससे पहले मैंने आपको रूल बताया कि दो जबर होते हैं तो जो है एक जबर पढ़ा जाता है हसन ता क्या के क्यों नहीं ठहरेंगे क्योंकि ये वाली ता जो होती है ना गोलता इसको हम हा में बदल देते हैं हाँ में बदल देते हैं इसलिए हम दोनों हरकत जो है वो नहीं पड़ी जाएंगी इसको हम साकिन कर देंगे हसनह हसनह ठीक है ना आगे है अलिफ मद्दा जुड़ा हुआ है नून में वकीना आन जबर आदि जबरद आदा बाकु नून से मिलाएंगे और नून पर शद है इसलिए यहाँ पर गुन्ना होगा अदबन रॉजे नारी अगर आगे ठहरेंगी तो फिर नार पड़ देंगी यानी रॉ को साकिन कर देंगी और रा मोटा पड़ा जाएगा बन नारन नार क्योंकि अगर रा को हम साकिन करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि रॉ से पहले क्या है से पहले जबर है नून पर इसलिए रॉ को मोटा पड़ेंगे वकीना बन

हमें अता कर या हमें दे फिर दुनिया दुनिया में फी का मतलब होता है मैं फिर दुनिया दुनिया में हसना हसना भलाई वफिल वफ़ी और मैं आखिर आखिरत वफिल आखिरती और आखिरत में हसना भलाई वकीना और हमें बचा वकी का मतलब होता है वकीया कहते हैं बचाने को बचने को और ना जो जुड़ गए इसमें इस इसमें तो वो होता है हम के लिए वकीना और हमें बचा अज़ाबन नार आग के अजाब से नार कहते हैं आग को वकीना अजाबन नार और हमें आग के अजाब से बचा तो पूरा जो तर्जुमा होगा इसका इस तरह से होगा ए हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई दे और हमें आखिरत में भी भलाई दे और हमें आग के अजाब से बचा तो ये इस तरह से आज हमने दो जो दुआएं हैं आपको वो सिखाई हैं और इन दुआओं के बाद अगर आप कोई और दुआ पढ़ना चाहें तो वो हम फेर लेते हैं दोनों दोनों तरफ यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड असलमअ रतलाम कुंभतुल्ल इसकी भी मैं एक बार बता देती हूं आपको यानी हिज्जे करके और फिर रूल्स अप्लाई करकेफ के बाद लाम है लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा सॉरी हमजा हमजा को हम सीन से मिलाएंगे हमजा जबर जबरसा आइन जबर आम याबर लाई काम पेशकुम वह वाह वरा जबरमा वरम तालाम खड़ा जबर ला, हाजिर ही, ही। अगर ठहर जाएंगे तो हा को साकिन कर देंगे वह इसका मतलब होता है तुम पर अल्लाह की सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो तो इस तरह से हमें सलाम करते वक्त भी जरा तवज्जो देनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हम आपस में जब सलाम करें तो हमारे तल्फ में गलतियां ना हो वरना जबर जेर की गलती की वजह से जो है मायने बदल जाते हैं

की तरफ से आप सब भी जरूर ज्वाइन करिएगा आपसे गुजारिश है